So hello guys, today I'm going to unbox new mouse which I got recently, which is Asus TUF Gaming M3. I was using Logitech G402 which was not fit to my hand, so I got this new mouse. So let's unbox it. The packaging is quite simple as I can see. एक मोटी पुस्तक दी जाती है जो कि कोई काम के नहीं है. एंड हियर इज आवर माउस. टफ गेमिंग की ब्रांडिंग है यहाँ पे. एंड दिस इज आवर माउस. केबल तो सही दिया है. देखो यूएसबी 3.0 तो नहीं लग रही, लेकिन नॉर्मल सा यूएसबी है. वायर देखना पड़ेगा कितना है. ओके, वायर इज क्वाइट लॉन्ग यू कैन सी. एंड माउस का कुछ सिल्वर कलर है और यहाँ पे आरजीबी है टफ गेमिंग का लोगो. सो दीज आर द थंब बटन्स 1 और 2, और ये शायद डीपीआई के है, इंक्रीज डिक्रीज के. और ये नॉर्मल सा स्क्रोल. ओ वाओ, स्क्रोल इज क्वाइट स्मूथ. और माउस थोड़ा क्लिकी भी है. माउस के पीछे इतना कुछ खास नहीं है. चलो इसको प्लग करते हैं. माउस का प्राइस है 1398, मतलब 1400 अराउंड, और जीएसटी और सीजीएसटी एसजीएसटी लगा के टोटल 251 ऐड होके मुझे ये माउस 1700 में मिला. ये मैंने ऑफलाइन मार्केट से लिया. तो ये कुछ डील है, यहाँ पे देख सकते हो प्राइसिंग जिसे. तो ओवरऑल मैंने देखा कि माउस अच्छा है, मेरे पाम में बिट रहा है. सो और इसमें मोस्टली देखा जाए तो 200 to 7000 डीपीआई का ऑप्टिकल सेंसर है और 7 फुल्ली प्रोग्रामेबल बटन्स है और 1000 हर्ट्ज ऑफ पोलिंग रेट है, जो कि गेमिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. और लाइट वेट है, अराउंड बॉक्स में दे 84.2 ग्राम्स का है. और आरजीबी भी बहुत अच्छी है, स्विचेस भी अच्छे हैं. 20 एम के स्विचेस है और कस्टमाइजेबल आरजीबी है, जो आपको जैसा रखना है, चेंजिंग रखना है या फिर एक कलर रखना है, आप पे डिपेंड है. और ओवरऑल सब अच्छा. और एक साल की इनकी वारंटी मिलती है एसुस की शॉप में से, जो कि आप कवर कर सकते हो. अच्छा माउस है. सो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू लाइक. और यस, लास्ट में कंक्लूजन ये देना चाहता हूँ कि कंपेरेबल नहीं है लॉजिटेक G102 से. लॉजिटेक G102 मेरा जो पुराना था, मोस्टली 2 एंड हाफ आवर चला, लेकिन उसका लेफ्ट क्लिक का मेरे को बहुत इशू आ रहा था. मतलब वन क्लिक में डबल क्लिक होता था, जो कि बहुत लोगों का वो इश्यू है, मैंने देखा है. और अभी G402 कुछ स्ट्रीम्स में मैं देख सकते हो आप यूज करना था मैं, लेकिन वो मेरे पाम के लिए फिटिंग नहीं था, परफेक्ट फिटिंग नहीं था. मेरा हाथ छोटा है, उंगलियां छोटी है मेरी. ये माउस मेरे को परफेक्ट फिटिंग लगा, इसलिए मैंने ये बाय कर लिया. सो यप, दैट्स इट. कंक्लूजन यही वापस बोलता हूँ कि अच्छा माउस है अगर आप बाय करना चाहते हो बेस्ट बजट में. आप 400 DPI प्लेयर हो और आप क्या ई स्पोर्ट्स प्लेयर हो, इसका पोलिंग रेट भी अच्छा है, तो आपको गेम प्ले में बहुत अच्छे क्या बोलते हैं हेड पॉप करवा सकता है अगर आपका एम अच्छा हो. तो आप ले सकते हो माउस, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें. दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो.